अगर निशांत कुमार भी आएंगे तो चुनाव लड़ के जीत के बनेंगे। एक चीज हम उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि जैसे उनके बाबूजी के मुख्यमंत्री रहते हुए लगातार पुल गिर रहा है बिहार में, पुलों का गिरना रुक जाए। देखिए नीतीश जी ही कहे थे कि मर जाना कबूल है लेकिन भाजपा में जाना कबूल नहीं है। भाजपा में गए कि नहीं गए, तो फिर नीतीश जी अगर कहते हैं कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, इसका मतलब उल्टा है कि परिवारवाद होना चाहिए। हमारा लड़का राजनीति में आने वाला है, और आपका आप एक फोटो देखे होंगे नीतीश जी का मोदी जी के साथ ऐसे पेट पे हाथ रखे हुए, तो मोदी जी को कहना चाहिए कि मोदी जी उनके इसी पेट में दांत भी है, तो मोदी जी को भी सावधान रहना चाहिए। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। जदयू की ओर से आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक दिल्ली में चल रहा है, जिसमें कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा को बनाया गया है। वहीं निशांत कुमार जो कि नीतीश कुमार के सुपुत्र हैं, बेटे हैं, उनको लेकर के भी चर्चाएं काफी ज्यादा तेज थी। बताया जा रहा था निशांत कुमार जदयू में नीतीश कुमार के बाद उत्तराधिकारी हो सकते हैं या नहीं, जान लेते हैं। निशांत कुमार खबर चल रही थी, देखिए जदयू की बैठक चल रही है, उसमें निशांत कुमार को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। क्या लगता है निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में आना चाहिए या नहीं? सोशल मीडिया के माध्यम से अभी हवा उड़ा है, लेकिन अगर निशांत कुमार जी अगर आते हैं तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि सब पॉलिटिशियन के बच्चा तो आइए गया है लगभग बिहार में। हाँ। तो नीतीश जी के बेटा अगर आएंगे तो कौन गुनाह होगा, अच्छा बात है, अच्छा बात है, आना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार बार बार परिवारवाद को लेकर के घेरते रहते हैं, वो विपक्ष में जो भी पार्टियां हो सब पर कटाक्ष करते रहते हैं, क्या लगता है वो आने देंगे? नीतीश कुमार जी आने देंगे कब? जब नीतीश कुमार जी राजनीतिक से संन्यास जिस दिन ले लेंगे, उसके बाद निशांत कुमार जी का इसमें हो सकता है कि आगमन हो सकता है, हो सकता हाँ है। नहीं तो धार्मिक विचार का आदमी है वो, पूरा वो पूजा पाठ में रहता है। कौन है धार्मिक? नीतीश जी के बेटा। हाँ, पॉलिटिक्स से कोई उनको इंटरेस्ट न है। हाँ। हम जहाँ तक सुनते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से पूजा पाठ करते हैं, ज्यादा वो अपना पूजा पाठ में रहते हैं। हाँ। लेकिन साधु संत है का? हाँ, साधु संत बुझिए या जो भी कहिए, अपना मन से जो भी समझ लीजिए, लेकिन अगर निशांत कुमार जी अगर आते हैं तो नीतीश जी के रिटायरमेंट के बाद वो आ सकते हैं। नीतीश कुमार के रिटायरमेंट के बाद निशांत कुमार आ सकते हैं, मेरा जहां तक मानना है। हाँ। तब तो आरोप नहीं ना लगेगा नीतीश जी पर परिवारवाद का। हाँ। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर पर नहीं लगा। हाँ, कर्पूरी ठाकुर पर ना लगा, जो भारत रत्न मिला है। हाँ। उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी को भी भारत सरकार से आग्रह है। हाँ। कि नीतीश कुमार जी का जो छवि है, छवि को देखते हुए राजनीतिक करियर जो 55-60 साल का नीतीश जी का है, उसे भारत सरकार को भारत रत्न इनको भी देना चाहिए, देना चाहिए। हाँ, और एक माउंटेन मैन जो दशरथ मांझी को, नीतीश जी को, और शेरो बिहार श्री कृष्ण बाबू जो थे उनको, तीन गो दावेदारे में हमारे नजर में हैं लोग, उनको देना चाहिए। क्या लगता है निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री लेनी चाहिए? निशांत कुमार एक युवा चेहरा है, लोग युवा कह रहे हैं, मगर 48 उनका उम्र हो चुका है। किनका? निशांत कुमार का 48। हाँ, अब इसकी भी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। दूसरा जानकारी कि दूसरी जानकारी होनी चाहिए कि वो युवा हैं, लोग कहते हैं, पर मेरे नजरिया में युवा हैं नहीं। युवा नहीं है? नहीं, वो आते हैं राजनीति में, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, आते हैं, अच्छे लोग आएंगे तब बुरे लोग जाएंगे। पर बुरे लोग कौन है तो फिर? अब अपराधी गतिविधि रखने वाले लोग MP बन जा रहे हैं, MLA बन जा रहे हैं, तो ऐसे अच्छे लोग आएंगे तब ना बुरे लोग जाएंगे। मानसिकता चेंज होगा बिहार का। तो हम चाहते हैं कि निशांत कुमार आए, पर नीतीश कुमार को बताना होगा कि निशांत कुमार किनके बच्चे हैं, नीतीश कुमार के हैं या फिर आप एनडीए गठबंधन के नेता लोग बताएं, जो परिवारवाद पर हमला करते थे लालू प्रसाद यादव पर। कौन? यही नीतीश कुमार। चुनावी मंच से अपनी कामयाबी गिनाना चाहिए बिहार में, इन्होंने क्या किया 17 सालों में ये गिनाते हैं, तो परिवार पर हमला करते हैं लालू प्रसाद यादव पर, तो हमला जो करते हैं NDA गठबंधन के नेता लोग, प्रधानमंत्री जी, आपको अमित शाह जी, सम्राट चौधरी जी, तो ये लोग बताएं ना कि किस परिवार से आते हैं। ये लोग तो खुद परिवार के निशांत कुमार को लेकर के खबर चल रही थी कि निशांत कुमार का एंट्री हो सकता है पॉलिटिक्स, क्या लगता है निशांत कुमार को आना चाहिए राजनीति में, क्योंकि नीतीश कुमार बार बार परिवारवाद को लेकर टिप्पणी करते हैं? देखिए आना चाहिए राजनीति में, कोई दिक्कत नहीं है आने से। अगर निशांत कुमार भी आएंगे तो चुनाव लड़ के जीत के बनेंगे, ऐसे ही कोई नहीं बन जाता है, तो बिल्कुल आए, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज हम उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि जैसे उनके बाबूजी के मुख्यमंत्री रहते हुए लगातार पुल गिर रहा है बिहार में, पुलों का गिरना रुक जाए।
जैसे ही वो आए राजनीति में, अगर वो सीएम बनते हैं, अगर वो सीएम बनते हैं तो सबसे पहले जो पुल पुलिया गिर के टूटता है ना और लोग दब के मर जाते हैं उस पर अंकुश लगे। अगर वो सीएम बनते हैं, राजनीति में आते हैं, तो उनसे निवेदन है कि बिहार में जो अपराध लगातार बढ़ रहा है उस पर रोक लगे। तो आना चाहिए, युवा है, बढ़िया विजन हो सकता है। नीतीश कुमार जो परिवारवाद को लेकर के बड़ा मंच से साझा किए हुए हैं, परिवारवाद को लेकर टिप्पणी टिप्पणी करते हैं, क्या लगता है नीतीश कुमार अपने कार्यकाल में उन्हें लाएंगे? देखिए लाना तो चाहिए, परिवारवाद को लेकर तो टिप्पणी टिप्पणी करते हैं फिर ठीक है। देखिए नीतीश जी ही कहे थे कि मर जाना कबूल है लेकिन भाजपा में जाना कबूल नहीं है। भाजपा में गए कि नहीं गए? हूँ नहीं कीजिए, बताइए, गए ना? तो फिर नीतीश जी अगर कहते हैं कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, इसका मतलब उल्टा है कि परिवारवाद होना चाहिए। हमारा लड़का राजनीति में आने वाला है और आपका, आप एक फोटो देखे होंगे नीतीश जी का मोदी जी के साथ ऐसे पेट पे हाथ रखे हुए, तो मोदी जी को कहना चाहिए कि मोदी जी उनके इसी पेट में दांत भी है, तो मोदी जी को भी सावधान रहना चाहिए। जिस तरह से वो कर्पूरी ठाकुर का नाम लिए कि जब तक कर्पूरी ठाकुर जिंदा न रहे तब तक अपने परिवार के लोगों को नहीं, क्या लगता है नीतीश कुमार संन्यास लेंगे उसके बाद उनके बेटा जो है वो एंट्री करेंगे राजनीति में? अब देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर उनका बेटा आ रहा है राजनीति में तो ठीक है, युवा है, आए और बिहार को मजबूत बनाने का काम करे, सशक्त बनाने का काम करे, ना कि अन्य राज्यों में जा रहे बिहारियों को गालियां पड़े, इस तरह का काम न होना चाहिए। निशांत कुमार युवा है, आए, वेलकम है, लेकिन आए तो पुल रुक जाना चाहिए। जो इस तरह से बता रहे थे कि लगातार जो बिहार में 9 दिनों में तेजस्वी यादव ने पोस्ट किया है कि 9 दिनों में जो है 5 पुल धराशा हो गया, यानी गिर गया है, उस पर रोक लग जाना चाहिए। प्लान की व्यवस्था जो है बिहार से बनी हुई है उस पर रोक लग जाने चाहिए, आने चाहिए, वेलकम है। जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार जो है वो कटाक्ष करते रहते हैं लालू प्रसाद यादव पर ही क्यों ना हो, वो परिवारवाद को लेकर के ये कटाक्ष शायद इन्होंने याद दिलाया कि एक समय था जब सदन में वो कहे थे कि मट्टी में मिल जाना कबूल है, भाजपा के साथ जाना कबूल है। तमाम बातों के सवालों का जवाब उन्होंने दिया है जनता के बीच, जनता अपनी बातों को रखा है। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे सच टॉक्स, मेरा नाम ऋषि है।